हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड कराए गए टर्म वन एंड टर्म टू के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको जाना है cbseacademic.nic की वेबसाइट पर। वहां पर सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिलेगी उसको आपको ओपन करना है। इसमें आपको ओपन होने के बाद जाना है स्किल्स एजुकेशन में। स्किल एजुकेशन पर क्लिक कर दीजिए, वहां से आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी एक, जहां पर आपको सर्कुलम पर जाना है। सर्कुलम पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंडरी लेवल ऑफ क्लास मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा, जहां पर आपने क्लिक करके आप 10th क्लास का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म वन में ये सिलेबस की। तो टर्म वन में हमारा पार्ट देख लीजिए, पार्ट ए से 3 units और पार्ट बी से 3 units आ रही हैं। पार्ट ए हमारा 5 marks का होगा और पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का होगा, टोटल 25 मार्क्स का होगा। पार्ट ए जिसमें हमारी यूनिट होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, ये हमारी होगी 5 मार्क्स की। वहीं पार्ट बी से बात करते हैं, हमारी 3 units होंगी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 8 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस 10 मार्क्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2 मार्क्स। आप यहां पे देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओनली 2 मार्क्स का है, जो ये बताता है कि केवल यहां पर आपका टर्म वन में केवल इंट्रोडक्शन आएगा। यहां से 2 मार्क्स में केवल आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। वहीं पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी टर्म सेकंड के लिए और पार्ट ए टर्म सेकंड के लिए। तो पहले बात करेंगे पार्ट ए की टर्म सेकंड के लिए, उसमें आपकी दोनों रिमेन यूनिट, यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स। और पार्ट बी से आपका आएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। टोटल जो एग्जाम होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल बेस होते हैं। टर्म वन 25 मार्क्स, टर्म टू 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। का आपका प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल्स जो आपके इंटरनल स्कूल से भेजे जाते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।